नमस्कार प्रणाम ओम साईराम आपण मानक पुणी थे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशन साई परिवार को आशा आपण मैंने बाबा कृपार निश्चित भाव में भल और सुस्थ थे। हाँ जदि प्रथम थर यह चैनल वीडियो टी देखुं तेरे दयाक चैनल टी सब्सक्राइब कर वीडियो टी गोटे लाइक कर दिंतु फलर यह भल भल विषय वस्तु सब देखा पाथे। हाँ ये कही रखे बाबा सब संदेश प्रकृत में बहुत शिक्षण जदि आम यार 10% निज जीवनचर्यार व्यवहार करें तेज आम आम जीवन में बहुत किसी उन्नति कर। जय श्री साई जेपरी जानती आज शनिवार आज साई संदेश सीरीजर एक नुआ संदेश सुनिवार समय सुतरां आउ डेरी नक आसतु शुणा आज बाबा दिव्य संदेश किंतु पुणि थे अनुरोध जदि एपर्तंत चैनल टी सब्सक्राइब करना तेज दयाक साई किशन चैनल टी सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन टी प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कर दिखे आसतु शुणा आज बाबा आमको क्यों संदेश देउचंति। ओम साईराम। जो इंसान अपने आप को नहीं ढूंढता वो दूसरों को कैसे ढूंढ पाएगा। अपने आप को भी ढूंढना होता है साईं। जो अपने आप को नहीं ढूंढ सकता यानी अपने आप को जानना, अपने अंदर की आत्मा का दर्शन करना, अपने अंदर ज्ञान का जो प्रकाश है उससे अपना जीवन प्रकाशित करना। जब अपना जीवन प्रकाशित हो जाए तब दूसरों की खोज आसानी से की जा सकती है। एक तपस्वी साधु का शिष्य था। कई वर्ष कोशिश करने के बाद भी वो ध्यान नहीं लगा सका। आखिर वो अपने गुरुदेव यानी उस तपस्वी साधु के पास गया। बोला, इतने वर्षों से मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन ध्यान लग ही नहीं रहा। साधु ने कहा, तुम इस देश के राजा के पास जाओ, ध्यान कैसे लगाया जाता है वो तुम्हें शिक्षा देंगे। वो राजा के पास गया। नर्तकी का नृत्य देखने वाले राजा को देखकर शिष्य लौटने लगा तो राजा ने उसे रोका और जब उसे ये पता चला कि शिष्य को साधु ने भेजा है तो उसने शिष्य को कहा कि अब आए हो तो हमें आतिथ्य सत्कार का अवसर दो। आराम शिष्य ने कभी देखा नहीं था। उसे देखने को मिला, उसे अनुभव करने को मिला और रात के भोजन के बाद जब उसे भव्य और ऐश्वर्य संपन्न शयन कक्ष में सोने को मिला तो वो शिष्य एक पल के लिए भी नहीं सो सका क्योंकि जिस पलंग पर वो लेटा था उसके ऊपर एक बहुत नाजुक धागे से एक तलवार लटक रही थी। ऐसा लगता था किसी भी वक्त धागा टूटेगा और तलवार सीधी उसके सीने में घुस जाएगी। सुबह हुई, राजा आया। उसने विनम्रता से पूछा, महात्मन आपको नींद तो ठीक से आई ना? शिष्य ने कहा, राजन इस लटकती तलवार ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। सोना चाहता था, नींद भी आ रही थी लेकिन बार बार लटकती तलवार याद करके आंखें अपने आप खुल जाती थी। राजा ने कहा, मान्यवर ध्यान ऐसे ही किया जाता है। ध्यान करने के लिए आंखें बंद करके पद्मासन लगाकर बैठना ही आवश्यक नहीं है। ध्यान का अर्थ ही है सोते जागते उठते बैठते हर पल हर समय उस परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करना। जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमें हमारे अंदर की आत्मा के दिव्य दर्शन होते हैं और आत्मा के दिव्य प्रकाश में ही हमें उस निर्विकार के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पहले अपने आप को खोजो। जो अपने आप को खोज लेता है वो मालिक को भी खोज लेता है। कोई भी इंसान बदलाव का स्वागत सत्कार करने से हिचकिचाता है। ये इंसान का चंचल मन है जो सबसे पहले बदलाव के बारे में सोचकर ही शंकित होता है और फिर इंसान का अहंकार है जो बदलाव को स्वीकार ही नहीं करने देता। स्वागत करना तो दूर की बात है। जो इंसान हालात की नजाकत को समझ लेता है जान लेता है वो बिना झिझकते हुए बदलाव को
स्वीकार करता है। कुछ लोग मजबूर होकर झुक जाते हैं और आने वाले बदलाव का स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ लोग हालात की गंभीरता को नहीं समझते हैं और ना समझना चाहते हैं। वो न झुकते हैं और ना ही अपने साथ अपनों को झुकने देते हैं। इसलिए इंसान को वास्तविकता यानी सच्चाई को जानना चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इससे इंसान के दुखों की तीव्रता कम होती है। हालात से समझौता करने में कोई अपमान नहीं है, क्योंकि हालात से समझौता करके इंसान एक दिन हालात पर जीत हासिल कर सकता है। जान पर आफत आने के बाद भी जब सही सलामत बच जाता है, तब इंसान को इसे मालिक की कृपा समझकर मालिक के कृतज्ञ रहना चाहिए। इंसान को तब ये जान लेना चाहिए कि मालिक ने उसे अपने आप को बदलने का एक मौका दिया है, और इंसान को उस मौके का फायदा उठाते हुए मालिक की भक्ति में अपना दिल लगा देना चाहिए। इंसान की जान बचाने का मतलब यह है इंसान को नई जिंदगी मिलना, इसी जन्म में इंसान का पुनर्जन्म होना। इंसान की इस नई जिंदगी का पुनर्जन्म का लाभ तभी होगा जब इंसान फिर से अधोपतन की सीढ़ियां ना उतरे, बल्कि अपने उद्धार की सीढ़ियां चढ़े, बुरे काम बुरे ख्याल छोड़ दे, मालिक को याद करता रहे। यही तो मालिक के लिए उसकी कृतज्ञता होगी। साधु संतों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता गुरुदेव। उनका कार्य, उनकी लीला, उनके संकेत, उनकी भाषा सामान्य लोगों की समझ में नहीं आती। जो अपने गम भूल कर दूसरों को खुशी देता है, वो मुझे हमेशा प्रिय है। मौत पृथ्वी लोक का अंतिम सत्य है, ये जानते हुए भी जब अपने अपनों को बचाने के लिए अपना सारा पुण्य दांव पर लगाकर मौत को चुनौती देते हैं, तो मालिक का आशीर्वाद उनके साथ रहता है। सबका मालिक एक।